वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। तूफान से उबरने के लिए पश्चिम बंगाल को मिला है 1000 करोड़ का राहत पैकेज। जी हाँ, आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में तूफानी का जायजा लिया और आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया। तूफान से जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोविड 19 जैसी महामारी ने दो छोर पर रहने वाले दो धूर सियासी विरोधियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को एक साथ ला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में हुई विनाश लीला का जायजा लेने आए थे। हेलीकॉप्टर पर उनके साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ थे तो सीएम ममता बनर्जी भी थी। गले में गमछा और चेहरे पर फेस कवर लगाए पीएम मोदी आसमान से बर्बादी का मंजर देख रहे थे। बीच बीच में आईपैड और नक्शे में भी कुछ देखते जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में अम्फान से कितनी बर्बादी हुई उसका मंजर आप खुद इस हवाई तस्वीर से देखिए। ऐसा लग रहा है कि मानो सैलाब आ गया हो, पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। अम्फान तूफान से पश्चिम बंगाल में भारी बर्बादी हुई है। कोलकाता से लेकर उत्तर और दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर तक बर्बादी के निशान अब भी मौजूद हैं। भारी बर्बादी को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से पश्चिम बंगाल का दौरा करने की अपील की थी। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई है। अब तक 80 लोगों की जान जा चुकी है। संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन अब भी बाकी है। कोलकाता से लेकर उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तर और दक्षिण 24 परगना तक बर्बादी का मंजर है। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है, भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है, भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक जो एडवांस में करने योग्य था जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में जमकर तबाही मचाई है। अब तक 80 लोगों की जान गई है। संपत्ति का आकलन अभी किया जाना बाकी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस तूफान से हुई तबाही ने दो राजनीतिक विरोधियों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना महामारी के संकट में भी दोनों नेताओं की तल्खी नहीं मिटी थी लेकिन अम्फान तूफान ने इस तल्खी को मिटा दिया। कोलकाता में किसी ने बर्बादी का ऐसा मंजर कब देखा किसी को याद नहीं। देश की सांस्कृतिक राजधानी कहलाने वाले कोलकाता में कुदरत ने विनाश की ऐसी पटकथा कब लिखी। अपनी आंखों से बर्बादी का मंजर देखने वाले किसी शख्स को ये याद नहीं।
मंगलवार की रात 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से चक्रवाती तूफान अम्फान गुजरा और अपने पीछे छोड़ गया तबाही के ऐसे निशान जिससे उबरना कोलकाता वालों के लिए काफी मुश्किल होगा। सड़कों को छाया देने के साथ शहर को हरा भरा रखने वाले बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। बिजली के मजबूत खंभे तिनके की तरह जमींदोज हो गए। लोगों को लुभाने वाले बिलबोर्ड्स जमींदोज हो गए। कच्चे मकानों का कहना ही क्या, उन्हें तो तूफान के आगे सरेंडर करना ही था। कोलकाता की शान कोलकाता क्लब का मंजर देखिए। शहर का गर्व रही ये इमारत उजाड़ किले में तब्दील लगती है। हावड़ा के आचार्य जगदीश चंद्र बसु वनस्पति उद्यान में खड़े करीब 200 साल पुराने बरगद के इस पेड़ ने न जाने कितने तूफानों को सहा होगा, लेकिन अम्फान की चोट से इसकी कई शाखाएं टूट गईं। अम्फान के दर्द से पश्चिम बंगाल के सिसकने की ऐसी एक नहीं हजारों तस्वीर हैं। एक तरफ भारी विनाश के निशान बिखरे हुए हैं, ज्यादातर बर्बादी पेड़ों और बिजली के खंभे गिरने से हुई है। ज्यादातर मौतें भी पेड़ के नीचे दबकर हुई हैं। बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों से बिजली चली गई, पेड़ गिरने से सड़कें बंद हुईं, जिससे राहत कार्य में मुश्किलें पेश आईं। यही नहीं, कई जगहों से टेलीफोन और मोबाइल सेवा ठप होने की शिकायत सामने आई है। कल से सारे मोबाइल नेटवर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी सारे कुछ बंद है, जिसकी वजह से मुझे और मेरी फैमिली को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे यहाँ कोई बिजली नहीं है, हमारे यहाँ ना पानी है, ना इलेक्ट्रिक है, ना मोबाइल में चार्ज है, कनेक्शन कुछ नहीं आ रहा है। मोबाइल का टावर रात से गया हुआ है। बच्चा लोग का ऑनलाइन पढ़ाई होता है, वो भी पढ़ाई भी करवाने में हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके कारण हम लोग कहीं भी कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। अकेले बंगाल में 80 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। 57 और 72 72 जो नाना भावे काज पड़े बा विद्युत तार पड़े बा कोनो भावे मारा गेछे बाड़ी पड़े तादेर परिवार गुलो के समबेदना जानाबार आमादेर कोनो भाषा नहीं, दुर्योग तो दुर्योगी। मृतकों के परिवार की मदद से उन्हें कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से अम्फान आया और तेज हवाओं ने कोरोना के संकट काल में बंगाल में बर्बादी मचाई, वो दर्दनाक है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तूफान से हुई इस बर्बादी से पश्चिम बंगाल को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी झोली खोल दी है, लेकिन इससे कुछ दिन पहले तक दोनों सरकारों के बीच तल्खी दिखाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच सियासत में 36 का आंकड़ा कभी ढका छिपा नहीं रहा। चाहे चुनाव काल हो या शांति काल, जब भी मौका मिला जुबानी जंग चलती रही। इन दिनों जब कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश लगा हुआ है, मोदी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच खुलकर तल्खी बाहर आती रही। याद कीजिए कोरोना राहत पर 20 लाख करोड़ के महा पैकेज पर ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया। ममता ने इसे बिग जीरो करार दिया था। जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। देखो प्रधानमंत्री जब बोले 20 लाख कोटी टाका पैकेज करा हुआ, हमें एक आशान्वित हो किस तो हलो ही ना उपरंत भावतार पर भावता। दरअसल जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, अम्फान से पहले ममता 2 मोर्चे पर लड़ती नजर आ रही थी। पिछले महीने कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय टीम कोलकाता पहुंची थी, तब ममता सरकार पर केंद्रीय टीम को सहयोग न करने का आरोप लगा था। जो पेशेंट्स है उनका टेस्ट नहीं हो रहा है, जनरल जो सिम्टम लेके आते हैं उनका भी टेस्ट नहीं किया, 3-3 दिन घूमना पड़ता है, तो जानबूझ के छुपाया जा रहा है जो चीजों को, वो उजागर होने का डर है, इसलिए सेंट्रल टीम के विरोध किया जा रहा है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने ममता पर इन आरोपों की झड़ी लगा दी कि अपने प्रवासी मजदूरों को वापस घर लाने में ममता सहयोग नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि रेलवे की पेशकश के बावजूद वो स्पेशल ट्रेन की मांग नहीं कर रही है। कुछ स्टेट्स ने तो जरा भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। आपको याद होगा वो दृश्य
बांद्रा स्टेशन पे कुछ दिन पहले, शायद 13 या 14 तारीख को, या 13 या 14 को था या उसके भी पहले था, जो लोग इकट्ठे हो गए थे, अब वो सब पश्चिम बंगाल जाना चाह रहे थे और हमारे पास अनुमति नहीं मिलती थी पश्चिम बंगाल से। लेकिन ये हमला एक तरफा नहीं है, ममता ने भी अपने हिस्से के जुबानी तीर खूब चलाए। ममता ने एयरपोर्ट बंद करने और लॉकडाउन में देरी करने का आरोप लगाया। यही नहीं, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में आरोप लगाया कि लॉकडाउन के जो भी गाइडलाइंस तैयार किए जा रहे हैं उसमें राज्यों का पक्ष नहीं लिया जाता। ममता ने आरोप लगाया कि केंद्र से राज्यों को जो चिट्ठी भेजी जाती है वो उन तक बाद में पहुंचती है, लीक पहले होती है। खैर, सियासी तल्खी अपनी जगह है, जनता की तकलीफ अपनी जगह। आज जब पश्चिम बंगाल को मदद की जरूरत है तो दोनों नेता साथ खड़े हैं, लोकतंत्र में ये अच्छी बात है। आज तक ब्यूरो। बंगाल की खाड़ी से ये उठा तूफान था, ओडिशा के 44 लाख लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। राहत और बचाव कार्य तेजी से वहां पर भी चल रहा है, रास्ते में गिरे पेड़ों को हटाने का काम भी जारी है। बंगाल की खाड़ी से उठा तबाही का तूफान कुछ घंटों में ओडिशा के तटीय इलाकों में ऐसे जख्म छोड़ गया जिसे भरने में वक्त लगेगा। अम्फन की आंधी ने ओडिशा के करीब 44 लाख लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। किसी का घर टूटा है, किसी की गाड़ी तो किसी की नाव। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को नुकसान की भरपाई के लिए तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साइक्लोन से हुए नुकसान पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से बात की। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने उड़ीसा में चक्रवाती तूफान के बाद हालात का जायजा लिया। हालांकि उड़ीसा में अम्फन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, लेकिन 5 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये जिले हैं केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज। एनडीआरएफ तूफान गुजरने के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। जो अभी जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें पहला काम हो रहा है कि रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं, पेड़ जो गिरकर कटे पड़े हुए हैं उनको काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है ताकि रास्ते और आवागमन जो है शुरुआत हो सके। चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में 3 लोगों की मौत हो गई। केंद्रपाड़ा में 57 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं भद्रक जिले में एक नन्हे बच्चे की जान चली गई। बालासोर में तेज हवाओं की वजह से बिजली का खंभा गिरा और एक महिला की मौत हो गई। लेकिन दोनों का आंकड़ा अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, वो फिर धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आएगा क्योंकि उसके लिए सर्वे करना पड़ता है, टीम भेजी जाती है, होम मिनिस्ट्री की टीम जाती है और सारे क्वायद किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत उड़ीसा में कम नुकसान। तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश से खेती बाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। तूफान की वजह से कम 34 लाख लोग बिजली गुम होने से परेशान हुए। हालांकि पोर्ट और रिफाइनरी को नुकसान नहीं हुआ, टेलीकॉम टावर तूफान के कहर से बच गए। जिंदगी का नाम है चलते जाना। तबाही के बाद उड़ीसा भी दोबारा उठ खड़े होने को तैयार है। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए फिर से अपनी नावें तैयार करने में जुट गए हैं। सूफिया के साथ मनोज लोईवाल, आज तक। एक बार फिर अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। यहां पर 6 इलाकों की तस्वीरें जो आ रही है वो अम्फान तूफान की जो तबाही है उसका मंजर बयां कर रही है। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मिदनापुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन सभी जगहों पर अम्फान ने भीषण तबाही मचाई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।